क्लासेस हम ऑनलाइन कर देंगे अब से। मैंने कर भी ली, हमने कर भी ली, कर लिया हमने, कल दिखाएंगे। हमारा डे टू है। वैसे मैंने, मेरे को कुंफू में ग्रीन बेल्ट तक मिल चुका है, फिर मैंने छोड़ दिया था, बट रीशु और मैं साथ कर रहे, तो फिर उसने कहा व्हाइट बेल्ट से स्टार्ट करो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब हम रोज करेंगे, हम आपको दिखा देंगे ऑनलाइन हम कैसे करते हैं। ओके, बस हम यही बताने जा रहे थे। आप भी चालू करना। हाँ जरूर करना, बड़े मजा आ रहे हैं। टमाटर बड़े मजेदार, ओह टमाटर बड़े मजेदार, तुम दोनों नहीं रेडी हुई अभी, फटाफट से रेडी हो। चलो नहीं जा रहे। मैं कह रही हूँ चलो मूवी देखने चलने, चलो चलो। हाँ चलो, पापा पापा कहाँ रह जाएंगे, चलो रेडी हो फटाफट, फटाफट रेडी हो। अभी पहले अपनी बुक्स रखो अच्छे से, उसके बाद बुक्स रखो। बेताल घाट तो बच्चे कर रहे हैं, इन सबको ना मूवी हॉल में लेके जाएंगे इन पैरों में बांध कर, पैरों से टेप से लगाकर, जो आजकल हैक चल रहा है ना। तुम चिपका तो लिए, छुड़ाना इसे, पैर के बाल जब खींचेंगे ना, खींचो। मैं आराम आराम से निकालूंगी, मैं तो ऐसा रोज करता हूं। आराम से निकालना ना, मैंने चलो चिपका, यहां चिपकाऊं? चिपका लो कोई, वही ना सबके सामने गिर जाए, टेप वही वाला लगा लिया आपने। गाइस हमने ज्यादा कुछ तो चिपकाया नहीं, पापा ने मना कर दिया, पर फिर भी मैंने एक चॉकलेट चिपका ली यहाँ पे, यहाँ पे नटखट रख लिया और यहाँ कर्ड्स रख लिया थोड़ी सी हवा निकाल के, जिससे वो थोड़ा फिट हो जाए। और मम्मी जी का आउटफिट बढ़िया लग रहा होगा। मम्मी मेरे बाल बना दो। अरे भैया तूने बाल नहीं बनाए, 3 बजे का शो है, सॉरी 3:30 बजे का शो है, टिकट भी ले लिए वहां से। So now we are ready to go for movie. और मूवी देखेंगे हम स्त्री 2, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, ब्लॉग में नहीं लूंगी, पिछली बार कॉपीराइट आ गया था, स्ट्राइक आ गई थी, कॉपीराइट नहीं तो खाली ऐसी बता दूंगी घर आके कि हाँ कैसी रही मूवी, कैसी नहीं रही, वैसे नहीं बताने वाली। गलती एक बार करिए तो उसे कुछ सीख लो, दोबारा वो गलती ना करी जाए, क्यों डॉक्टर साहब? मम्मी हाँ जी, मूवी मत लेना, बस मेरा वो निकाल देना जब मैं हम चिप्स खाऊंगी। हाँ इन्होंने देखो मेरे हैक दिखाया था, इन्होंने सामान बांध रखा है अपने खाने पीने की चीज़ें, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मेरे यहाँ है, बस यहाँ मैंने चिपका रखी है। गुड 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 गुड। रीशु कितनी खुश हो रही है, खेल खेल में। तो हम पहुंच तो गए हैं, देखो शो टाइम से मिलता या नहीं मिलता, बड़ी ज्यादा अच्छी है। हाँ और यहाँ पर जैसे ही हम एक्सीलेटर पर चढ़े तो रीशु को तो इतना डर लग गया, मुझे पकड़ रखा उसने, मैंने उसे गोद में ले रखा था, वो बहुत डर रही थी। प्लैटिनम ले रहे हैं सीढ़ियों से, इस वाले से, अच्छा ठीक है, सबसे ऊपर वो तो बता देंगे अभी। स्त्री ऐसे लग रहा है जैसे साड़ी लिखा हो, सारी ताक्षी बहुत खुश होगी क्योंकि इसकी चेकिंग तो हुई नहीं, ऐसे ऐसी आ रही थी। और प्लेटिनम में जाने के लिए एक दूसरी साइड से रास्ता था, हम उससे गए थे, बड़ा ही सुमसाम सा रास्ता हो रहा था वो, और ये देखिए हमने कर ली थी एंट्री, ये वाला है। हम लोग बैठे यहाँ पर, ताशु आप किधर आओ, कोई आएगा तो इस साइड आ जाएगा, आप उधर जाओ, चलो यहाँ से नहीं दिख रहा। अच्छा ये ऐसे
और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे तो हॉल देखो कैसा लग रहा था। क्रांतिकारी परिवर्तन आया है इस योजना से, धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। मूवी हो रही थी स्टार्ट, उससे पहले हो रहा था राष्ट्रगान। So, अभी हम कर रहे हैं एग्जिट, मूवी देख ली। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। तो गाइस मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी, है ना? मानस लगी बहुत टाइम का पता, हाँ टाइम का पता ही नहीं चला कब निकल गया। ओ भाई कितना गर्म लग रहा है इसमें। रिशु और सब लोग मूवी कैसी लगी रिव्यू बता दो उसका। बहुत अच्छी मूवी थी, बिल्कुल भी बोर नहीं हुए, गजब लगी मुझे। कहते नहीं है बांध के रखा मूवी ने सब तरीके से। सबसे खतरनाक सीन था जो शुरू में आ करी थी उन्होंने, स्टार्टिंग में ही जब उसका सर आता है तो आदत सी पड़ गई। हां आगे फर्स्ट हाफ में तो बहुत डर लगा। सनी भैया क्या बोल रहे थे पता है? मामा ताक्षु मैंने अकेले में देखी थी मूवी, बताओ। लेकिन सही थी मूवी, बढ़िया अच्छी। आ गया मैं, वो चाबी देना। सो गाइस घर पहुंच के हम सब ने अपने कपड़े पड़े चेंज कर लिए और हम थोड़ी शांति से आराम से बैठे हैं यहाँ पर और मूवी के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इन सबसे पूछूं कि इनको मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। वैसे आप समझ गए होंगे कि हम गए थे यार स्त्री देखने के लिए और आज जो हिताक्षी अपने साथ में वो लगी थी ना चॉकलेट और नटखट, ताक्षु इजीली खा लिए थे आपने और हम प्लेटिनम में बैठे थे सबसे ऊपर वाले में, तो उसमें तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा अलग से कोई रूम है, उसमें आराम से देख रहे हैं मूवी। वो सबसे बेस्ट जगह है, वो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे मूवी देखने में। डॉक्टर साहब आपको बेस्ट सीन कौन सा लगा आज की मूवी में? सबसे शुरू में वो स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग में कटा हुआ सर आता है। पता है मुझे सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा? जब वो उसके बैक साइड में काटता है ना और वो कहता दारू फेंक कहता आग लगा और उसे पकड़ लेता जकड़ करके, वो सीन सबसे बढ़िया लगा मुझे। आपका कौन सा था? मेरा वो था जब वो भेड़िए की एंट्री हुई थी, वो बिल्कुल ऐसे कूदे फिर उसकी माँ गई तो स्त्री आ गई थी। आपका रिशु? मेरा तो वो था जब स्त्री और वो दोनों लड़ रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही सीन था भाई। तो उसमें एक तरफ से स्त्री एक तरफ से वो भूत, बस तो इसके साथ भूत सवार हो गया स्त्री का। बेस्ट फिल्म थी और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी जाएं और उस मूवी को जरूर देखें। और जिस समय हिताक्षी को चॉकलेट वगैरह खाई थी मैंने उस समय का व्लॉग नहीं ले पाया क्योंकि मूवी देखने में इतनी मशगूल हो गई। और अब मैं बनाती हूँ वही खाना। क्या खाना है इन्हें सात दिन? मैगी। बताओ भाई क्या हो गया खाने में? मैं कोई नहीं बोलेगा मुझे, खुद ही हिसाब से बनाना। अगर बन गया तो कृष्णा बनूंगा। चलो कम ऑन। तो गाइस अभी मम्मी बना रही है शिकंजी हमारे लिए, जलजीरा। इनके मौसा ये आया था जब उन्होंने मंगाया था ये पैकेट, जब का रखा हुआ ये। आज बोला कि आप बना लेना। आज हुआ क्या, आज मम्मी ने अपने लिए गलती से बना लिया मजे के लिए और फिर हमको हल्का सा टेस्ट करवाया। ओ भाई हमको तो ऐसा पसंद आ गया, रीस रोने लगी, कह रही मम्मी मुझे अभी चाहिए। आपको क्या है, बाबा को परेशान कर रहा है। ये देखो अंधेरा हो रहा है। टाइम 10 बज रहे हैं अभी। पियो ये ग्लास बना रखा है, पियो इसे। दुकान पे जाऊंगा और कोई पिलवाओ। हाँ देखो तो गाइस अभी बनाना बहुत टेस्टी।
ताक सुन रही हो आरा अगर आपने मम्मी का जादू पी लिया ना ये आप भी पागल हो जाओगे। अच्छा इतना अच्छा लग रहा है आपको तो ताक सुन दी ना उसमें से भी टेस्ट करती जा रही। ये क्या कर रखा है आपने? कौन सा होली आया ये? अरे ऊपर से ज्यादा ठंड लग रही थी बर्फ में ना वो तुम इस वजह से ऐसी चल रहा बहुत देर से तो ज्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने ऊपर से चलो खाओ लो ऐसा लग रहा है। ये जीरे वाला पानी नहीं था गोलगप्पे का वैसा टेस्ट आ रहा है। मैंने इसमें नींबू भी डाल दिया ना तो उसकी वजह से और अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। जलजीरे वाला पानी होता है ना खट्टा खट्टा गोलगप्पे मिल जाते इसी मरे खा लेती है। चलो सही है व्लॉग एंड कर दे कर दो गाइस जरूर बनाइएगा 10/10 है और मूवी जरूर देखिएगा। सो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। रुको मेरे मुंह में ही। सो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो बाय हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते।